सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। आप देख रहे हैं बरेली महादेव सेतु पुल से लाइव, मैं बरेली से प्रदीप सक्सेना। मोदी की गारंटी, और मोदी ने गारंटी पूरी कर दी है महादेव पुल बनाकर। इस समय मौजूद है कुतुब खाना पुल, जो कि महादेव सेतु के नाम से अब जाना जाएगा, और इसका आज उद्घाटन करने के लिए बरेली पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो कि 1305 मीटर की लंबाई का ये पुल बनकर तैयार हुआ है। कोतवाली से शुरू हुआ है और ग्वाड़ा पीर पर जाके ये उतरेगा, और इसको 110 करोड़ की लागत से बनाया गया है। वहीं आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली कॉलेज पहुँचेंगे और 300 करोड़ से ऊपर की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। वहीं आप देख रहे हैं अभी इससे काफ़ी सन्नाटा है, लेकिन अभी दोपहर में 4 बजे के बाद पुल पर काफ़ी गाड़ियाँ दौड़ेंगी। इसके बाद यहाँ पर दोनों तरफ से गाड़ियाँ आती जाती दिखेंगी। नीचे पुल, नीचे जो है कुतुब खाना रोड है, और कुहाड़ा पीर भी लोग जाते थे, उससे जाम लगता था, लेकिन अब जाम की दिक्कत दूर हो गई। बरेली वासियों को बहुत अच्छी स्वागत मिली है। वहीं यहाँ पे होर्डिंग भी लगे हुए हैं मेयर उमेश गौतम के, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ, और महादेव पुल का नाम है तो महादेव की फोटो भी लगी हुई है। वहीं सांसद संतोष गंगवाल की फोटो भी लगी है। बहुत ही अच्छा पुल है, और यहाँ अभी कुछ ही समय बाद इस पुल का उद्घाटन होगा, और यहाँ पे पराठे की तरह गाड़ियाँ दौड़ेंगी, नीचे जाम से निजात मिलेगी। आप देख रहे हैं बरेली कल्चर। बरेली कल्चर को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। भाई साहब पूरी रात बंदरों का आतंक रहा है, बंदरों का। अरे कल पूरी हुई है जब हम लोगों ने बरेली में एक साथ बरेली की ढेर सारी परियोजनाओं का लोकार्पण किया जा रहा है, और जिसमें कोतवाली से कुहाड़ा पीर दो लेन की उपरिगामी सेतु का लोकार्पण का कार्यक्रम भी यहां पर संपन्न हुआ है। इसके लिए बरेली जनपद के आप सभी बंधुओं को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपने सहयोगी मंत्री जितेंद्र प्रसाद जी को रुचि लेने के लिए कि समय से उन्होंने इस कार्य को पूरा किया, इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं। आज पुल का उद्घाटन करने स्वयं मुख्यमंत्री आ रहे हैं, और आपने जब सीट संभाली थी उसी समय आपने कहा था कि यहाँ से रोडवेज जाएगी, जहाँ से मोटरसाइकिल से गुजरना मुश्किल पड़ता था, क्या कहेंगे? देखिए, आज इस महादेव सेतु का लोकार्पण प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी अभी से थोड़ी ही देर में करने वाले हैं, और जनता को यह है पुल समर्पित होने वाला है। तो मैं यहाँ जो मोटरसाइकिल से भी अगर कोई जाता था ना तो 30 से 40 मिनट लगते थे जाने में, और अब ये दूरी अभी थोड़ी देर बाद जब इस पर जनता चलना शुरू होगी तो 3 से 4 मिनट में ये दूरी पूरी होगी। हमने कहा था कि 40 साल पहले यहाँ से बस गुजरा करती थी, इतनी चौड़ी रोड होती थी, अब नीचे से भी और ऊपर से भी जहाँ से चाहे जौन सी गाड़ी वो आराम से गुजरेगी, और बरेली की जनता का जो पैसा डीजल और पेट्रोल में बहुत ज़्यादा खर्च होता था, जाम में फंसे फंसे, वो पैसा भी बचेगा, वो समृद्धशाली भी होंगे, समय भी बचेगा, और ट्रैफिक जाम से भी मुक्ति मिलेगी। आपके माध्यम से पूरी बरेली की जनता को बहुत बहुत बधाई। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बरेली पहुंचे हैं और महादेव सेतु पुल का उद्घाटन किया है, क्या कहना चाहेंगे आप? आज हम लोगों को बहुत अच्छा लगा, और लगा कि मातृ शक्ति का भी मान सम्मान हुआ। उन्होंने जो महिलाएं थी उनको चौबी दी, घर के सुविधाएं दी, और किसी को रोजगार नहीं था रोजगार की अवसर प्रदान कराए उन्होंने, और हम सबको सम्मानित भी करा। और उन्होंने ये बताना भी चाहते हैं कि यदि आज हम लोग जागृत हो जाएंगे तो हमारे समाज का भी उद्धार हो जाएगा। और जय हर हर महादेव, वो हमारे यहाँ जो पुल बना हुआ है मेनली वो उसका उद्घाटन करने के लिए आए हुए हैं, और अब वो डमरू चौराहे पे गए हैं हाल ही में ताकि वो उसका उद्घाटन कर सके। पुल बना है, कैसा लगा आपको? पुल बना के उन्होंने बहुत अच्छा करा है, जो भी ये आने जाने में यातायात असुविधा होती थी उसमें अब हम लोगों को इतनी सुविधा असुविधा की जगह सुविधा होगी, ताकि हम लोग आसानी से एक दूसरी जगह जा सकेंगे और टाइम कम खर्च होगा। और मेरे साथ मेरी प्यारी दीदी रश्मि दीदी मौजूद है, जो कि बहेड़ी से आई हैं, और दो वर्ड उनसे भी। कहाँ से आई हैं आप? मैं बहेड़ी की चेयरमैन रश्मि जायसवाल, और मैं नगर पालिका चेयरमैन हूँ। बहुत अच्छा लगा, योगी जी आए हैं, उन्होंने इतनी सारी जो योजनाएं थी उसका लोकार्पण किया है बरेली में, और बहुत अच्छा लगा मुझे।
और वो कई योजनाएं लखनऊ में आयोजित कर चुके हैं, लोकार्पण कर चुके हैं और इसी तरह से वो आगे बढ़ाते जाएंगे, देश का विकास करते जाएंगे, उत्तर प्रदेश का विकास करते जाएंगे।